हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज का टॉपिक में हम लोग यूज़र डिफाइंड मेथड के ऊपर कुछ प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूज़र डिफाइंड मेथड के ऊपर मैंने 4 वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप वो सारे वीडियोस देख लिए हैं और आपको उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व करना है तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। ठीक है, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, आप इसे पढ़िए समझिए। राइट अ प्रोग्राम टू डिफाइन अ मेथड आइडेंटिटी फैक्ट। अब इसे समझने का कोशिश करिए, यहाँ पर कोई पब्लिक नहीं लिखा हुआ है तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका जो मेथड है, ये वाला, ये मेथड का नाम है फैक्ट। रिटर्न टाइप है आईएनटी और पैरामीटर क्या है इंट। मेथड इस प्रोग्राम में जैसे दिया हुआ है उससे देख के समझ में आ जा रहा है कि मेथड का रिटर्न टाइप क्या है और पैरामीटर क्या है और मेथड का नाम क्या है। आगे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है कि विच टेक्स एन इंटीजर एज पैरामीटर एंड रिटर्न इट्स फैक्टोरियल वैल्यू। मतलब हम जो भी इंटीजर इसके अंदर पास करेंगे, ये जो मेथड है उसका फैक्टोरियल वैल्यू रिटर्न कर देगा। और रिटर्न वैल्यू कहाँ पर डिस्प्ले होगा? डिस्प्ले द फैक्टोरियल वैल्यू इन मेथड डिस्प्ले। मतलब यहाँ पर मुझे दो मेथड बनाना है, एक मेथड का नाम क्या है फैक्ट, जिसका कि इंटीजर पैरामीटर है और रिटर्न टाइप इंट है। आपको पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो प्रोग्राम दिया हुआ है उस प्रोग्राम में मेथड्स जो हैं उनका रिटर्न टाइप और पैरामीटर क्या है। नाम तो मेंशन किया रहता है कहीं कहीं, कहीं कहीं नहीं किया रहता तो हमें खुद से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमें दो मेथड यूज़ करना है, इंट फैक्ट, पैरामीटर इंट और डिस्प्ले। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पर वॉइड लिख देंगे, क्लियर। और पब्लिक हम यूज़ करेंगे क्योंकि मेथड को हम पब्लिक अभी रख के चल रहे हैं, बिना उसके भी कर सकते हैं क्योंकि हम तो सेम पैकेज में हैं ना, हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें फिलहाल अभी कोई इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग सबसे पहले फैक्ट को डिफाइन करेंगे, फिर डिस्प्ले को डिफाइन करेंगे। याद रखिएगा, फैक्ट के अंदर हमने जो भी इंटीजर लिया है एज अ पैरामीटर उसका फैक्टोरियल निकालना है, क्लियर। तो क्लास का नाम है फैक्टोरियल फाइंड, आप कुछ और भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर दो मेथड डिफाइन करेंगे, एक है फैक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वहाँ पे तो सिर्फ इंट लिखा था, यहाँ पर हम इंट के साथ एक वेरिएबल भी देंगे, क्लियर। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि ऐसे डेटा टाइप डाल के छोड़ देता है, वहाँ पे कुछ वेरिएबल नहीं देता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप भी वेरिएबल नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 1 मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे। तो फैक्टोरियल का मैं कोड यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, आप लोग इसे खुद से ड्राई रन कर लीजिएगा क्योंकि टॉपिक तो मेथड के ऊपर है। ये मैं कहाँ तक लूप चलाऊंगा, एन तक, ठीक है। एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई, ट्राई रन आप लोग खूब किया करिएगा। ये मैं आप लोगों को एक ऐसी राय दे रहा हूँ अपना, ट्राई रन अगर आप नहीं करेंगे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बोल सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल प्रिंट एलन, वो मैं यहाँ पे गलती से प्रिंट कर रहा था, मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं करूँगा, मैं यहाँ रिटर्न करूँगा, रिटर्न, क्योंकि उसका रिटर्न टाइप है, मैंने यहाँ रिटर्न एफ कर दिया। और मीनिंगफुल वैल्यू रिटर्न करेंगे, जैसे मैंने जब वो कैटेगरी के बारे में मैं समझा रहा था, नो रिटर्न नो पैरामीटर रिटर्न पैरामीटर, तो वहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना चाहिए मैंने वहाँ पे बढ़िया से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिटर्न एफ कर रहे हैं क्योंकि एफ के अंदर ही फैक्टोरियल स्टोर है, ठीक है, लूप के अंदर, देखिए जहाँ पे एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई लिखा हुआ है। फिर आता है दूसरा मेथड पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले में क्या करना है हमको, डिस्प्ले में हमको डिस्प्ले करना है फैक्टोरियल। अब देखिए जब हम लोग को मेन के अंदर डिस्प्ले करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और यूज़र डिफाइंड मेथड जो होता था वो हम उसको मेन मेथड के अंदर कॉल करते थे। अभी हमें मेन मेथड में डिस्प्ले नहीं करना है। अब ऐसा सोचिए कि आपका बॉस है, आपसे कहता है कि भाई जो तुम फैक्टोरियल निकाले हो उसे फैक्ट में तो डिस्प्ले नहीं करना है, साथ में मेन में भी डिस्प्ले नहीं करना है, उसे डिस्प्ले करना है एक दूसरे यूज़र डिफाइंड मेथड के अंदर और उसका नाम है डिस्प्ले, ठीक है। तो चलिए हम डिस्प्ले को अभी के लिए छोड़ देते हैं, अब भी बिगिनर्स क्या है बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं कि अब डिस्प्ले में हम क्या लिखें, ठीक है। तो चलिए आपको इतना तो पता है कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए फैक्टोरियल क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट नेम मतलब रेफरेंस वेरिएबल, फैक्टोरियल फाइंड, हो गया मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट,
अच्छा यहाँ पर एफ जो है वो कैपिटल लेटर डालेंगे क्योंकि केस सेंसिटिविटी होती है इसके अंदर। अच्छा ओ बी डॉट, हमें ओ बी डॉट करना होगा। ओ बी डॉट हम क्या करेंगे, फैक्ट नहीं, फैक्ट को करके कोई फ़ायदा नहीं। बहुत बार स्टूडेंट क्या होता है ऐसे कर देते, ओ बी डॉट फैक्ट कर देंगे, फैक्ट के अंदर कोई मान लीजिए मैंने पास कर दिया 5 और यहाँ जाकर डिस्प्ले कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एफ। तो देखिए ये चीज़ें होती हैं, ये गलती करते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर पहला चीज़, आप तो यहाँ पर एफ़ को एक्सेस ही नहीं कर सकते क्योंकि एफ़ तो यहाँ पर डिक्लेयर है, इसलिए तो भूल जाइए कि आप डिस्प्ले के अंदर फैक्टोरियल डिस्प्ले कर सकते हैं, इसे एकदम से आप भूल जाइए। ठीक है, अब रहा बात ओ बी डॉट फैक्ट 5, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर दीजिए और एक्स को डिस्प्ले कर दीजिए, आपको फैक्टोरियल मिल जाएगा। बट आपको तो मेन में डिस्प्ले नहीं करना है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग अब, तो ओ बी डॉट फैक्ट हम नहीं करेंगे, हम करेंगे ओ बी डॉट डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले को मैंने कॉल कर दिया, जब हम डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो जो डिस्प्ले मैंने कोड लिखा है वो रन कर जाएगा। क्लियर, जिस मेथड को हम कॉल करते हैं वो मेथड रन करता है। जैसे कि जिस जो स्विच बोर्ड होता है वहाँ पे हम जिस स्विच को ऑन करते हैं तो उस स्विच से रिलेटेड जो भी डिवाइस कनेक्टेड है, पंखा है या लाइट है, तो वो काम करना शुरू कर देती है। तो सेम उसी तरीके से जब हम किसी मेथड को कॉल करते हैं तो वो मेथड अगर उस क्लास में है तो वो रन करेगा, नहीं है तो एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने डिस्प्ले को कॉल कर दिया, अब डिस्प्ले में हमें क्या करना है। अब अगर हम डिस्प्ले में जाकर फैक्ट को कॉल कर दें तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो डिस्प्ले में अगर हम जाकर लिखेंगे, अब स्टूडेंट क्या करते हैं ओ बी डॉट फैक्ट लिख देते हैं, तो भाई आप इस चीज़ का फिर से ध्यान दो, ओ बी जो है वो लोकल है, लोकल वेरिएबल है, आप उसे यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और मैंने अपने वीडियो में बताया है ऑलरेडी कि अगर आप किसी स्टैटिक मेथड में जाकर किसी नॉन स्टैटिक मेथड को अगर आप कॉल करते हैं तब हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बट अगर कोई नॉन स्टैटिक मेथड, देखिए ये नॉन स्टैटिक है, यहाँ पे मैंने कहीं स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे भी नहीं किया, दोनों नॉन स्टैटिक मेथड है। ऐसे मेथड को ही तो हम लोग इंस्टेंस मेथड या ऑब्जेक्ट मेथड बोलते हैं, मेंबर मेथड बोलते हैं, जो कि मैंने जहाँ पे क्लासेस ऑन ऑब्जेक्ट जो चैप्टर के ऊपर जो मैंने वीडियो डाला है वहाँ पे मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर फैक्ट को अगर कॉल करेंगे, अब ओ बी तो यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हम लोग डायरेक्टली फैक्ट को कॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, मैं यहाँ पे पैरामीटर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना होगा, तो पैरामीटर में हम डायरेक्टली यहाँ पे 5 पास कर सकते हैं या फिर हम चाहें तो रन टाइम इनपुट कर सकते हैं। अगर रन टाइम इनपुट करना है तो हमें स्कैनर यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ पे रन टाइम इनपुट कर सकते हैं। मैं दोनों करके आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे एंटर एंटर एन इंटीजर, क्लियर, और ये आपका सिस्टम, मैंने गलत लिख दिया है, सिस्ट इंट एन इक्वल्स टू एन, अब हम यहाँ पे एन को पास कर देंगे। क्लियर, तो एन को जब हम यहाँ पे पास करेंगे तो फैक्ट क्योंकि एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमें यहाँ पर उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो एन ना लेके हम यहाँ पे एफ ले ले रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये जो ऊपर में एफ है ये फैक्ट का एफ है और ये जो नीचे में एफ है वो डिस्प्ले का एफ है, तो हम दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम रिटर्न एफ कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें एफ लेना पड़ेगा, नहीं, हम कोई और वेरिएबल हम ले सकते हैं, हम यहाँ पे F1 ले लिए और उस F1 को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहे हैं। ठीक है, मेरा प्रोग्राम हो गया, आप इसे एक बार फिर से देख लीजिए, मेन से कैसे कॉलिंग हुआ है, डिस्प्ले को कॉल किए हैं, डिस्प्ले में जाके फैक्ट को कॉल किए हैं और फैक्ट के अंदर मैंने कोड लिख के रिटर्न कर दिया है। तो रिटर्न करने का क्या मतलब होता है, मेरा प्रोसेस जो है मेथड का वो टर्मिनेट हो जाता है और जो भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं वो जहाँ पर ये मेथड फैक्ट कॉल हुआ है वहाँ पे चला जाएगा। तो मान लीजिए अगर एन के अंदर 5 है तो 5 का फैक्टोरियल 120 आता है, तो रिटर्न 120, वो 120 कहाँ आएगा, जहाँ पे मेरा ये मेथड कॉल हुआ है फैक्ट, और वो 120 फिर किस में स्टोर हो जाएगा, F1 में। आप चाहें तो फैक्ट कॉलिंग पोर्शन को आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इससे क्या होगा कि फिर आपको अलग से कोई वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम रन करा के दिखा देते हैं आप लोगों को। एंटर एन इंटीजर, मैंने एक इंटीजर एंटर किया 5, मेरा आउटपुट आया 120। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए कैसे दो मेथड काम कर रहे हैं, डिस्प्ले कॉल हुआ, डिस्प्ले के अंदर फैक्ट कॉल हुआ, हम चाहते तो फैक्ट के अंदर कोई और मेथड भी कॉल कर सकते थे, उस मेथड के अंदर कोई और मेथड कॉल कर सकते थे, तो इस तरह से मेरा मेरा कॉलिंग चलता है। ठीक है, तो आज की इस
वीडियो में इतना ही, और ये जो प्रोग्राम मैंने समझाया है आप लोग इसे खुद से प्रैक्टिस करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। और मेरा इसके ऊपर और भी वीडियो है, उन सारे वीडियोस के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं उन सभी प्रोग्राम्स को आप अच्छे से समझिएगा, तब मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ कि मेथड से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो जो आप लोग को करते वक्त दिक्कतें आती हैं, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।